रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप लोग को आज की वीडियो दिखाते हैं। वीडियो दिखाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं जी मास्टर केज में। तो मैं मदरसे से आ चुका था तो मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है। और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं रिंग नेक यहाँ पर आया हुआ है, ये फ्लाई अब माशाल्लाह कर लेता है, हाथ पर आ चुका है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसके पार तकरीबन फुल आ चुके हैं। तो इसको आपको उड़ा के ऊपर दिखाता हूँ, तो वो देख सकते हैं माशाल्लाह वो उड़ चुका है जी, ये आग बैठ गया। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फ्लाई कर लेता है। ये लवबर्ड हमारा अंदर है, इन्हों को मैंने अमरूद कर डाले थे वो देख सकते हैं आप, और माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। इनके आगे भी दाना पानी है, क्योंकि सुबह मैं दाना पानी इनको डाल कर गया था। और ये जो है रिंग नेक माशाल्लाह जी अब फ्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह ये भी कॉकटेल की तरह उड़ा करेगा, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा करेगा। तो बजी इस कलोनी में जाते हैं। तो सुबह दोस्तों मैंने खिड़की नहीं थी खोली, क्योंकि यहाँ पर थी काफ़ी ठंड, तो इसलिए खोलते हैं जी अब, क्योंकि अब धूप का टाइम भी हो चुका है, धूप अब आएगी तो ये धूप में बैठ भी सकेंगे। तो वो है जी मसला सारे बच्चे, एक बच्चा ये है, ये फ्लाई कर गया जी, और मसला इसने बच्चे निकाले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, बच्चा आपको नज़र आ गया, ये फैलो है, फैलो के साथ इसने मसला आगे ले किए हुए हैं। दाना देख सकते हैं आप पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि सुबह मैं इनको थोड़ा ही डाल के गया था, नहीं जितना खाना था उन्होंने उतना खा लिया। और ये वो बच्चा है जी जो हमने परसों केज से निकाल कर बाहर छोड़ा था, आज बच्चा बाहर आ चुका है, ये वाला भी मसला, इसको भी आज निकाल के देखते हैं, अगर फ्लाई की तो ठीक है, अगर ना कर सका तो फिर नहीं इसे छोड़ेंगे। तो मसला ये भी फ्लाई कर रहा है मसला दोस्तों, ये भी तकरीबन 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसे भी पूरा हमारे कलोनी के अंदर देखेंगे, इंशाल्लाह इसे भी खोलेंगे हम 2-3 दिनों तक। ये भी शोर मचा रहा है, तो छोड़ता हूँ जिसको अब अंदर, इसको मटकी के अंदर डाल देता हूँ। और ये मसला आप बच्चे देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, फिट है, फ्लाई करता है, ये मेरे ख्याल से फ्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। इसको पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं, तो दोस्तों मैंने इसको पकड़ लिया, तो नहीं जी ये अभी फ्लाई नहीं कर सकता, तो इसको छोड़ते हैं फिर अंदर। और अब आप लोगों को दिखाते हैं जी, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों को वो दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह जी इसने 3 अंडे उतारे हुए हैं, एक के ऊपर बैठी हुई है, 3 माशाल्लाह जिसने अंडे उतारे हुए हैं। अल्लाह करे कि दोस्तों बस ये फर्टाइल हो, अगर ये फर्टाइल हुए तो ठीक है, अगर ना हुए तो फिर इसको फिर ब्रीड लेंगे, तो इसकी कैंड नहीं करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने एग्ज बाहर निकाली है, तो एग्जीबिशन फीमेल ये यहाँ पर है। तो दोस्तों अभी मैंने अभी पहले नीचे ही था देखा, आप ये देख सकते हैं पुराना एग है, अभी नहीं गिरा, ये पहले से गिरा हुआ था, वो नीचे देख सकते हैं ताज़ा नीचे गिरा, इसका मतलब इसने 4 एग दिए थे, जिनों में से इसने एक ज़ाया कर दिया। तो अब इसकी कैंडलिंग करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, मुझे तो मसला फर्टाइल लग रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मसला दोस्तों ये तीनों एग की मैंने कैंडलिंग की है, तो मसला दोस्तों तीनों ही फर्टाइल हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसने अभी और एग भी ले करने हैं, तो मैं तीनों में देखा प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ है, इनक्यूबेट मसला बहुत अच्छा कर रही है, और दोस्तों मसले फर्टाइल निकले हैं, ये है जी आज की हमारी गुड न्यूज़। तो आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ, अब मैं ये डोली अंदर दिखा लूँ, फिर ये जब अंदर जाएगी तब आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं लगाने लगा था जी ये डोली, डोली लगाते वक्त मैं था जी अकेला, तो डोली मैंने तार वहाँ पर फंसा के, तो मैं पीछे को जाने लगा, डोली गिरी जी नीचे, नीचे गिरी एकदम, और आप देख सकते हैं जी ये भी ख़राब हो चुका है, इसको भी कड़ा खा दिया, ये भी ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं इसको कड़ा खाइए और खून थोड़ा सा आ गया जी, ये अब क्या कर सकते हैं जी,
जो चीज़ नसीबों में होगी जी दोस्तों वही मिलेगी। अब मैं तो कुछ नहीं था कर सकता, मैंने तो लगाया तो मेरे हाथ से गिर गई, तो कोई बात नहीं, अब जो नसीबों में था मिल जाएगा। अगर इसने फिर ब्लीड करनी हुई तो कर लेगी, तो जो नसीबों में होना है जी वो मिलते रहना है। तो तीसरा है गाती है देख सकते हैं, ये भी हो सकता है खराब। तो दोस्तों सच ही कहते हैं, जो चीज़ को हम ज़्यादा प्यार करें वो हमेशा से उतनी उस जैसी ब्रीड नहीं कर पाती, और जो हम चाहते हैं वो नहीं होता भी। तो अब क्या कर सकता हूँ, अब मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो आप लोगों को दिखाना था उसके डोली में हम मेरे एप जो आपको दिखाए थे, तो मसला तीनों में चाहिए बच्चे, और अब क्या कर सकता हूँ कि खराब हो चुके हैं। तो जो नसीबों में होगा वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगली दफ़ा वेट करेगी तो फिर इंशाल्लाह हम देख लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बच्चे मटेरियल को बढ़ेंगे। ऐसे बच्चे हैं मसला, इन्होंने बहुत प्यारे आने थे माशाल्लाह। एग्जीबिशन की फीमेल है और मेल है दूसरा, तो आप देख सकते हैं अभी प्यार इन्हों का लग रहा है। तो दोस्तों आप कुछ मैं कर तो नहीं सकता, अब अकेली डोली लगाऊँगा, तो अब एग्स तो बाहर ही रखेंगे क्योंकि अभी मैं प्रोसेस नहीं बन सकता जी बच्चों का। आप ये देख सकते हैं ये कड़क आ गई है जी बहुत ज़्यादा, ये वैसे भी टूट गया, ये भी टूट गया दोस्तों, ये एकदम डोली गिरी थी ऐसे नीचे, तो अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, अकेला था डोली यहाँ से नीचे ऐसे गिरी, तो अब लगाता हूँ, नसीबों में हुआ तो ब्रीड कर देगी। तो दोस्तों अब ये तो हो चुके हैं जी खराब। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि ये जी बड़ी एग्जीबिशन है, फीमेल है बड़ी, तो ये आप पीछे देख सकते हैं जगह है बॉक्स लगाने की, तो मेरे जहन में ये है कि जो बाहर छोटा बॉक्स लगा हुआ है वो हम इसको दे देते हैं, तो उसमें ब्रीड कर सकेगी। डोली में तो नहीं ये सही रहेगी क्योंकि हमने अब इसकी कैंडिंग वगैरह भी फिर करनी होती है, बच्चे वगैरह कभी देखते नहीं पा सकते हैं, तो छो मसले फाइल बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप वो बॉक्स लगा देते हैं, तो चलता हूँ बॉक्स लेने के लिए। तो दोस्तों मैंने ये वाला बॉक्स उतारना है, तो वो है जी ज़्यादा ही बड़ा, तो ये वाला बॉक्स उतारता हूँ, इसमें सही रहेगी इंशाल्लाह। तो चलता हूँ जी अब उतारता हूँ और लगाता हूँ। तो बॉक्स मैंने उतार लिया जी, तो ये देख सकते हैं बॉक्स, तो इसको मैंने अंदर से भी साफ़ कर लिया, तो माशाल्लाह डेंगना मेल अब बोलना स्टार्ट हो चुका है, तो वो जो कॉर्नर में पड़े हैं जी फर वगैरह वो उठाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, ताकि नरम सी जगह हो जाएगी फिर, ये आप देख सकते हैं, तो ये ऊपर ऊपर से उठाकर मैं डाल देता हूँ। माशाल्लाह जी रिंग नेक मेल काफ़ी मसला बोल रहा है, तो आप लोगों को टॉपिंग सुनाता हूँ उसकी, तो बोलना बंद हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हो गया, अब लगाता हूँ जी बॉक्स उसके केज के अंदर, तो ये यहाँ से हम देख भी पाया करेंगे, तो इसलिए अब ये मैं लगाने को इंशाल्लाह दोस्तों अगर नसीबों में हुआ तो फिर ये मैं ब्रीड करके दे देगी, अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह अगर फिर जो नसीबों में लिखा था वो तो नहीं होना। तो दोस्तों अब ये लगाता हूँ बॉक्स, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं इससे अकेले से शायद मुश्किल लगेगा बॉक्स, अब मैं लगाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया ये बॉक्स मेरे से उधर नहीं लग रहा, तो जो पहले हमने लिया था वो बड़ा बॉक्स वो इसके साथ ही लगा हुआ था, तो वो लेकर आता हूँ, वो लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास बाहर कोई ऐसा पेयर है तो नहीं जो ब्रीड करे। तो ये दोस्तों अभी मुझे पता चला कि ये जो वाइट डब है ये फीमेल नहीं, ये भी मेल है, तो ये भी अभी बोल रहा था तकरीबन, फिर इसका मतलब मास्टर के में सारी मेल हैं, ये भी मेल वो भी मेल वो दोनों भी मेल ये भी मेल, तो फिलहाल डिब्बा उतारता हूँ और लेके जाता हूँ, तार के ज़रिए से लगाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो भी आज बहुत लंबी हो चुकी है, तो लगाते हैं जी पहले बॉक्स। तो दोस्तों आज मैंने अभी बॉक्स ये लगा देना है, आपको दिखाऊंगा जी आपको दिखाऊंगा कल वाली वीडियो में, तो ये हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, तो मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह हाफ़िज़।